please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हमारे सामने ऐसे हजारों सवाल थे, लेकिन ये वक्त सवालों का नहीं, जवाब तलाशने का था। मौत जिंदगी का शाश्वत सत्य है, जो पैदा होता है वो मरता भी है। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि जीवन अंतहीन हो? क्या ये मुमकिन है कि कोई युगों युगों तक जिंदा रहे? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें मौत नहीं है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे लोगों ने खुद देखा है, महसूस किया है। बुरहानपुर आते ही हमारी मुलाकात हुई अश्वत्थामा के एक चश्मदीद पहलवान हनीफ खान से। हनीफ बता रहे थे कि कुछ वक्त पहले ही उनका सामना अश्वत्थामा से हुआ था। 18-20 साल पुरानी बात है, जब हम लोग कॉलेज वगैरह में पढ़ते थे, एक्सरसाइज का बड़ा जुनून हुआ करता था, तो रनिंग करते हुए हम लोग जो यहाँ से असीरगढ़ चले जाया करते थे, वहाँ रुक के मैं पुशअप किया, दंड वगैरह मारा, तो सामने मेरे को एक ऐसा बड़ा सा एकदम काफ़ी बहुत लार्ज जिसको बोलना चाहिए बड़ा आदमी मेरे को ऐसा दिखा, तो मेरे को ऐसा करने लगा और कुछ बोला। मेरे साउंड मतलब मेरे समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहा है। अच्छा, मैं एकदम खुला था, मैंने जब पूरा ध्यान से देखा कि यार, तो वो मेरे को ऐसा इशारे करने लगा और ऐसा कुछ, मेरे को लगा यार कोई लड़ने के लिए बोल रहा है। हनीफ ने जिस शख्स का हुलिया बताया वो लंबा चौड़ा था, माथे पर चोट का गहरा निशान था और अचानक कहीं गायब हो गया था। उन्हें पूरा यकीन है कि वो अश्वत्थामा था। हमें हनीफ की बातों पर यकीन नहीं हुआ, सोचा कि शायद ये सब कुछ हनीफ का वहम होगा, वो शख्स कोई और होगा जो लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठा रहा है और लोग उस बहरूपिये को अश्वत्थामा समझ रहे हैं। मगर तभी हमें यह एहसास हुआ कि यहां ऐसे एक नहीं, दर्जनों लोग हैं जो अपनी आंखों से अश्वत्थामा को देखने का दावा कर रहे हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। और किले पर ये प्रथा है कि रोज डेली रात में 12 से 5 के बीच में गुलाब का फूल माधव जी की पिंडी पे रख के जाते हैं। वहाँ पर अगर जैसे जाते भी है तो कई बार पाँव के निशान देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े पंजे, जिससे प्रतीक होता है कि वहाँ कंटिन्यूस उसका आवागमन बिल्कुल जारी है। अश्वत्थामा अक्सर उसकी ऐसी परछाई कई बार नज़र भी आई है और ये 100 मतलब ये अपन कह सकते हैं कि आज भी वो जीवित है। हमें ये बात भी हैरान कर रही थी कि अगर वाकई अश्वत्थामा जिंदा है, अगर वाकई अश्वत्थामा आज भी भटक रहा है, तो बुरहानपुर ही क्यों? क्यों यहाँ के लोग पूरे यकीन के साथ वो दावे करते हैं? इस कहानी को समझने से पहले इस शहर का इतिहास समझना जरूरी था, जिसकी शुरुआत होती है ताप्ती नदी से। हमारे मुल्क का इतिहास, हमारे मुल्क की हर पौराणिक कहानी किसी न किसी नदी से जुड़ी होती है। ये ताप्ती नदी है और इसका इतिहास गंगा से भी ज़्यादा पुराना माना जाता है। और हजारों साल से जो एक शख्स जिंदा है, हजारों साल से जिसे अमर रहने का वरदान मिला है, उसकी कहानी भी इसी ताप्ती नदी से जुड़ी है। तापी महापुराण में बृघ्नपुर के नाम से उल्लेखित किया गया है, इसे बृघ्नपुर कहा जाता है। बृघ्नपुर का अर्थ होता है सूर्यपुत्र, और ताप्ती माता जो है, ताप्ती नदी जो है, वो सूर्यपुत्री कहलाती है, इसलिए इसे बृघ्नपुर कहा गया। उसमें एक क्लियर कट उल्लेख है बृघ्नपुर महात्म्य का। बृघ्नपुर महात्म्य उसमें एक पूरा चैप्टर है और उस चैप्टर के अंदर पूरा बृघ्नपुर के बारे में सारा डिटेल उल्लेखित किया गया है। उसमें बताया गया है कि अश्वत्थामा, जो महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य के
फर्जंद थे, उनके पुत्र थे, वो आज भी जीवित है ऐसी मान्यता है। तो वो अश्वत्थामा जो है ताप्ती नदी में स्नान कर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। होशांग सोराब जी बुरहानपुर के सबसे पुराने परिवार से ताल्लुक रखते हैं और वो भी ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने असीरगढ़ के किले में अश्वत्थामा की मौजूदगी के सबूत अपनी आंखों से देखे। सर 1974 में मैं अपने मित्रों के साथ में जब गया था तो हम लोगों ने उस बात को साक्षात अनुभव किया है। हम लोग जब शिवालय में गए तो जैसा आप जानते हैं हर शिवालय में बाहर जो है वो नंदी जी विराजमान होते हैं। तो हम लोग जब गए तो अपने जूते चप्पल निकाल करके और नंदी जी के पास से गुजरे तो नंदी जी तो धूल में अटे पड़े थे। तो हम लोगों ने शिवालय में जैसे ही प्रवेश किया तो हम लोग आश्चर्यचकित रह गए कि शिवालय में तो कोई धूल नाम की तो चीज़ ही नहीं थी, कोई चकाचक साफ सुथरा, और वहाँ पर एक ताज़ा फूल चढ़ा हुआ था। और फूल की जो वैरायटी जो थी वो आज तक भी मैंने अपने क्षेत्र में क्या अभी तक मेरे देखने में नहीं, एक अलग ही टाइप का फूल। हमें अब तक जो कहानी समझ में आई थी वो ये थी कि कोई शख्स बरसों से यहाँ भटक रहा है, नंगे बदन, एक धोती पहने हुए, जिसके माथे पर चोट का निशान है, और वो गाँव के पास ही मौजूद असीरगढ़ के किले में हर रात पूजा करने आता है। सुबह जब मंदिर खुलता है तो शिवलिंग पर फूल मिलते हैं। हमने फैसला किया कि हम असीरगढ़ के उस किले में जाएंगे। रात भर हमारा कैमरा ऑन रहेगा और अगर वाकई वहां अश्वत्थामा आता है तो हम उसके निशान पहली बार कैमरे में कैद करेंगे। अश्वत्थामा की तलाश ने हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां हकीकत और फसाने में फर्क करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। असीरगढ़ यानी बुरहानपुर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर एक कस्बा जहां मौजूद है एक किला, एक मंदिर और अश्वत्थामा के कई जीते जागते सबूत। हम सोच भी नहीं सकते थे कि आगे क्या होगा, हमें कौन दिखाई देगा, किले में कौन से खतरे होंगे। बुरहानपुर में तमाम चश्मदीदों से मिलने के बाद हम असीरगढ़ के किले की तरफ निकल पड़े। लोगों ने बताया कि पिछले कई दिन से उन्होंने अश्वत्थामा को इस किले के पास ही देखा है। किले के अंदर भगवान शिव का एक सदियों पुराना मंदिर है। दावा होता है कि अश्वत्थामा हर रोज सुबह के पहले पहर में आता है, उस मंदिर में शिव की पूजा करता है और अचानक कहीं गायब हो जाता है। क्या अश्वत्थामा जिंदा है? क्या इन जंगलों के बीच वो आज भी भटक रहा है? क्या यह मुमकिन है कि कोई इंसान 5000 साल से जिंदा हो? आप और हम यकीन करें ना करें, लेकिन देश के लाखों लोग पूरा भरोसा करते हैं कि वो है यहीं कहीं उन जंगलों में, जो कब दिखाई दे जाए कोई नहीं जानता। सच और अंधविश्वास के बीच मौजूद उस कड़ी की तलाश में असीरगढ़ की ओर हमारा सफर शुरू हुआ। सफर की शुरुआत में हमें दिखाई दी ताप्ती नदी। हमें बताया गया था कि इस नदी का अश्वत्थामा से सदियों पुराना रिश्ता है। तापी महापुराण में भी जिक्र है कि अश्वत्थामा इसी नदी के किनारे हमेशा भटकता रहेगा। नदी के पास ही हमारी मुलाकात हुई वल्लभदास हीरालाल से, जो अश्वत्थामा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। वल्लभदास हमें तापी महापुराण की वो कहानियां दिखाने लगे जो ताप्ती नदी और अश्वत्थामा के इस रिश्ते को साबित कर रही थी। जो ताप्ती महात्मा जो है ना, मतलब रघुनपुर महात्मा के अंतर्गत इसका वर्णन आता है। मतलब ये जो है ना, ये किताब मेरे हाथ में है, मतलब तो इसमें मतलब इसका पेज नंबर है 528 पे इसका मतलब पूरा वर्णन इसके अंदर आता है। अब हमारे सामने अश्वत्थामा से जुड़ी एक नई कहानी थी जो जुड़ी थी ताप्ती नदी के पास मौजूद गुप्तेश्वर मंदिर से। वल्लभ दास ये दावा कर रहे थे कि वो गुप्तेश्वर मंदिर में अश्वत्थामा की मौजूदगी साबित कर देंगे। ताप्ती नदी के इतिहास को हमने समझ लिया। ताप्ती नदी से अश्वत्थामा के
जुड़ाव को भी हमने समझ लिया। अब वक्त है बुरहानपुर के उस शिव मंदिर पे आपको लेकर चलने का, जहां पर पौराणिक दस्तावेजों में दर्ज है कि अश्वत्थामा आते हैं। हमारी मंजिल थी असीरगढ़ का वो किला, जहां हर रात अश्वत्थामा के आने का दावा होता है। लेकिन उससे पहले हमने फैसला किया पुराणों की एक और कहानी को टटोलने का, और हम निकल पड़े गुप्तेश्वर मंदिर की ओर। तापी महापुराण में इस शिव मंदिर का भी जिक्र किया गया है। गुप्तेश्वर मंदिर का यही वो शिवलिंग है जिसके बारे में यहाँ के केयरटेकर वल्लभ भाई का दावा है कि अश्वत्थामा इसकी पूजा करते हैं, हर पर्व पर अश्वत्थामा यहाँ पर आते हैं, और उनके मुताबिक यहाँ पर पहुँचने का एक गुप्त रास्ता है। जी, ये तापी महात्मा के अंदर मतलब ये वर्णित है, ये उसमें लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कहता, ये उसमें लिखा हुआ है। तो वो कहाँ है गुप्त रास्ता? ये रास्ता ये सामने है यहाँ पर, कि यहाँ से लगभग मतलब 22 किलोमीटर ये आसिर दुर्ग तक जाता है, या आसिर के किले तक जाता किले है तक जाता है। तो अश्वत्थामा वहीं घूमते हैं? अश्वत्थामा उसी जंगल में आज जो मतलब घूमते रहते हैं ऐसा कहते हैं मतलब, और वो समय समय पर यहाँ पर पर्व महापर्व पर यहाँ पर आते हैं, और यहाँ से नदी का जल अभिषेक जल लेकर के आते हैं, और इसका शिव जी का अभिषेक वगैरह करते हैं, पूजा पाठ वगैरह करके मतलब यहाँ से जाते हैं। तो मतलब यही वो रास्ता है जहाँ से, हाँ यही वो रास्ता है जो आशा दुर्ग तक पहुँचता है। तो बहुत ज़्यादा गैस आ रही है यहाँ से ना, किसी को कोई नुकसान पहुँचे वो हिसाब से हमने इसे मतलब बंद करके रखा हुआ। बुरहानपुर के इस गुप्तेश्वर मंदिर में ये जो बिल मार्ग है इस पे लगा ताला इतना ज़्यादा जंग खा चुका है कि किसी भी तरह से खुलने को राजी नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है कि हम इस ताले को तोड़ दें, लेकिन अंदर से गैस का इतना ज़्यादा भपका आ रहा है कि अंदर कदम भी रखना शायद बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। यहाँ आकर एक बात साफ हो गई कि अश्वत्थामा अगर है तो वो असीरगढ़ के जंगल में उस किले में मौजूद है, तो जाहिर है हमारा अगला पड़ाव उस हजारों साल पुराने शख्स को तलाशने के लिए वो किला ही होगा। अश्वत्थामा की तलाश के लिए अब हमारे असीरगढ़ जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि असीरगढ़ ही वो जगह है जहां हर रात अश्वत्थामा को देखे जाने का नया दावा होता है। असीरगढ़ पहुंचते ही कस्बे के रेलवे स्टेशन पर वही पुरानी कहानी एक नए किरदार के साथ हमारा इंतजार कर रही थी। ये कहानी थी रेलवे कर्मचारी अनिल गायकवाड़ की। क्या रेल की इन पटरियों की तरह जिंदगी अंतहीन हो सकती है? क्या कोई इंसान हजारों हजारों साल तक जीवित रह सकता है? मनुष्य युगों से इस सवाल से जूझता आया है और युगों से कोशिश रही है जिंदगी की मियाद को बढ़ाने की। हम इस वक्त मौजूद हैं असीरगढ़ रेलवे स्टेशन पर। ये स्टेशन असीरगढ़ फोर्ट के सबसे करीब है, और यहाँ पर मौजूद एक शख्स की कहानी उस किले और वहाँ पर घूमने वाले अश्वत्थामा से जुड़ी हुई है। मेरे पिताजी इसी रेलवे स्टेशन असीरगढ़ रोड पे काम करते थे, तो एकदम अचानक से उनसे वहीं मुलाकात हो गई किले पर। तो उन्होंने पिताजी से तेल और हल्दी मांगे, तो पिताजी एकदम बुरी तरह से डरे हुए थे, और घर पे आए तो तेज बुखार आ गई, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो जैसे तैसे हम लोगों ने उनका इलाज करके उनको आराम गिराए, और कई दिनों बाद उन्होंने बताया कि मेरे साथ में ऐसी ऐसी घटना घटी थी। तो हमने पहले भी सुने थे, और एक बार खुद हमारे पिताजी ने हमको सुनाए तो हमको और भी यकीन आ गया कि अश्वत्थामा है किले पर। ये सब कुछ सुनने के बाद हमारी बेकरारी बढ़ने लगी। शाम होने से पहले ही हम असीरगढ़ के किले तक पहुंचना चाहते थे, क्योंकि अगर अश्वत्थामा वाकई है तो आज रात भी आएगा। कुछ देर के सफर के बाद हमारे सामने था 15वीं शताब्दी में बना एक बेमिसाल किला, असीरगढ़ का किला। मुगल काल के इस किले को असा अहीर नाम के राजा ने बनवाया था। इस किले में ही मौजूद है
पांडवों के काल का एक शिव मंदिर। कहा जाता है कि उसी शिव मंदिर में अश्वत्थामा हर रात पूजा करने आता है और अगली सुबह वो मंदिर खुलता है तो अश्वत्थामा की मौजूदगी के सबूत लोगों के सामने होते हैं। हम रात होने का इंतजार करने लगे लेकिन उस इंतजार के बीच हमारी मुलाकात कुछ लोगों से हुई, ऐसे लोग जो दावा कर रहे थे कि उन्होंने अश्वत्थामा को बेहद करीब से देखा है। उन्हीं में से एक हैं वाहिद अली खान। मैं फजर की सवेरे की नमाज पढ़ के टहलने के लिए जब आया इधर, तो मैं अक्सर आते रहता हूँ, तो सुबह का वक्त था और धुंधलाहट थी थोड़ी। उस दरमियान मैंने देखा कि एक बहुत ही डील डॉल अजीब सा आदमी, ऊंचा और काफ़ी तगड़ा, सामान्य व्यक्ति से कुछ अजीब ही लग रहा था, तो वो इधर से ऐसे जाते हुए दिखाई दिए। तो मैं उनको देखकर पहले तो घबरा गया और फिर मेरा जहन उस तरफ गया जो लोगों ने यहाँ पर क्विदंती प्रचलित है कि यहाँ अश्वत्थामा घूमते हैं। तो मेरा दिमाग उस और भी गया कि शायद वो तो नहीं है, बाकी विश्वास से तो नहीं कह सकता मैं, बाकी वो ऐसे दिखे थे मेरे को। मैं अचानक घबरा गया फिर, और फिर मैं यहाँ से वापस नीचे की ओर चला गया। इस खूबसूरत किले में घूमते हुए हम एक तालाब के पास पहुंचे। कहा जाता है कि ये तालाब कभी सूखता नहीं है और हर रात इसी तालाब में स्नान करने के बाद अश्वत्थामा किले के शिव मंदिर में पूजा करने आता है। किले के दूसरे कोने में मौजूद है वो शिव मंदिर। कहते हैं एक जमाने में यहां पांडव भी आए थे और आज रात इसी मंदिर में अश्वत्थामा भी आएगा। मंदिर के दरवाजे बंद होने के बाद पूजा करेगा और सुबह जब मंदिर खुलेगा तो हमें अश्वत्थामा की मौजूदगी के निशान मिलेंगे। 5000 साल से जिंदा, अजर और अमर अश्वत्थामा की इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर आखिरकार हम पहुंच ही गए। मेरे पीछे वो शिव मंदिर है जिसके बारे में लोगों की मान्यता है कि अश्वत्थामा रोजाना असीरगढ़ के किले में बने इस शिव मंदिर तक आते हैं, रोजाना यहां पर पूजा करते हैं और यहां बनी पिंडी पर फूल चढ़ाते हैं। दिन के उजाले में गांव के सैकड़ों लोग यहां आते हैं, अपनी मुरादें मांगते हैं, लेकिन शाम ढलने के बाद ये मंदिर बंद हो जाता है। आज की शाम का हमें भी बेताबी से इंतजार था। कुछ ही देर में सूरज बादलों में छिपने लगा। किले में मौजूद चंद लोग हमें वापस जाने की हिदायत देने लगे, कहने लगे रात के वक्त यहां रुकना मौत को दावत देने के बराबर है। लेकिन हम भी तय कर चुके थे कि जो भी हो जाए हम यहीं रुकेंगे अपने कैमरे के साथ, क्योंकि सच जानना बहुत जरूरी है। क्या 5000 साल से जिंदा किसी शख्स को तलाशने के लिए चंद घंटे काफी हैं? शायद नहीं। लेकिन असीरगढ़ के इस किले में अब शाम का वक्त हो गया है, सूरज बस ढलने ही वाला है और हमने फैसला किया है अपनी किस्मत को आजमाने का। हम आज रात इसी किले में गुजारेंगे और देखेंगे क्या हमें भी अश्वत्थामा का वो निशान मिलेगा, वो फूल मिलेगा जिसका जिक्र यहाँ पर हजारों लोगों ने हमसे किया है। हम असीरगढ़ के किले में बिल्कुल अकेले थे। किले के बंद होने का वक्त आ चुका था। लोगों को अब भी यकीन था कि अश्वत्थामा आज की रात भी किले में आएगा, महादेव की पूजा करेगा, लेकिन किसी इंसान की नजर पड़े उससे पहले ही गायब हो जाएगा। हमने किले में तमाम कैमरे लगाए और फैसला किया कि जो हम नहीं देख पाएंगे वो आज हमारा कैमरा देखेगा। अगर अश्वत्थामा वाकई जिंदा है, अगर लोगों के दावे सच्चे हैं, तो रोज की तरह अश्वत्थामा आज भी आएगा। हम 5000 साल पुराने इस रहस्य से सिर्फ चंद घंटे दूर थे। शाम ढल चुकी थी और किले के बंद होने का वक्त आ चुका था। हमारे साथ इस वक्त आशीष मौजूद हैं। आशीष इस किले के केयरटेकर हैं और किले में अब 6 बज चुके हैं। ये वो वक्त होता है जब किले से सब लोगों को बाहर कर दिया जाता है और किले का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है।
आशीष, सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारे पिता भी यहाँ पर बहुत वक्त चौकीदार थे, तुम अब केयरटेकर हो यहाँ पे, तो तुमने भी अश्वत्थामा से जुड़े हुए किस्से सुने हैं? जी सर, सुना है हमने। हमारे पिताजी भी बोलते थे अश्वत्थामा पूजा करते हैं यहाँ पे, पुराने लोग बोलते चले आ रहे हैं यहाँ पे अश्वत्थामा पूजा करते हैं। लेकिन किले में सिर्फ एक ही दरवाज़ा है और चारों तरफ बहुत ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं, तो ऐसा कैसे मुमकिन होता होगा कि कोई आके यहाँ पर फूल रख जाता हो? अब ये तो सर भगवान की लीला है, अपन तो ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। अब वो अमर थे। तो शिवलिंग के चारों तरफ ये जो फूल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वो हैं जो लोगों ने दिन भर यहाँ पर चढ़ाए हैं, और हम आशीष के सामने ही इन सारे फूलों को यहाँ से हटा देंगे और फिर सुबह एक बार दोबारा आकर देखेंगे कि हमें यहाँ पर कोई फूल मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमने इस शिव मंदिर में मौजूद सारे फूल खुद अपने हाथों से हटाए। यहाँ के लोगों का दावा है कि अगली सुबह हमें ये तमाम फूल दोबारा इसी शिवलिंग में मिलेंगे, क्योंकि रोज की तरह आज रात भी अश्वत्थामा इस मंदिर में आएगा। शाम के 7 बज चुके थे और किले के बंद होने का वक्त बीत चुका था। असीरगढ़ किले के केयरटेकर आशीष का घर जाने का वक्त हो गया। ये वो वक्त है जब किले पर ताला जड़ दिया जाता है। आशीष अब हमसे अलविदा ले रहे हैं, लेकिन इस बड़े दरवाजे को किले के वो बंद करके जा रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित कर सकें कि हमारे अलावा इस किले में कोई और ना आ सके। तो अब रात भर हम इस किले में रहेंगे और इंतजार करेंगे 5,000 साल से जिंदा उस शख्स का। अब इस किले में हम अकेले थे, रात गहराने लगी और पूरा किला खामोश हो चुका था। कुछ देर यहीं बिताने के बाद हमने रात के अंधेरे में किले की पूरी पड़ताल करने का फैसला किया कि कहीं किले में दाखिल होने का कोई दूसरा रास्ता तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग रात के अंधेरे में रोज यहां आते हों और अश्वत्थामा के वहम को हवा देते हों। किले में घूमते टहलते हमें एक सुरंग दिखाई दी। असीरगढ़ किले में यही वो गुफा है जिसका रास्ता शायद नीचे खांडव वन या जिन्हें हम खंडवा के जंगल कहते हैं उसमें खुलता है। इस गुफा का रास्ता यहाँ से आगे बंद है। दिन में हमें ये गुफा दिखाई भी नहीं दी थी, लेकिन अभी मेरे कैमरामैन इसमें गिरते गिरते बचे और तब हमको अंदाजा हुआ कि जमीन के अंदर ये गुफा का रास्ता है। किले में हर मुमकिन रास्ते को तलाशते हुए हम दोबारा उस शिव मंदिर में पहुंचे, ये देखने कि शायद हमें भी वो शख्स दिखाई दे जाए जिसके अश्वत्थामा होने का दावा सदियों से हो रहा है। लेकिन रात के तकरीबन 3 बजे शिवलिंग पर कोई फूल नहीं थे, यानी अब तक अश्वत्थामा यहां नहीं आया था। हमें इंतजार था सुबह का, इसलिए हमने भी अपने कैमरे के साथ शिव मंदिर के सामने ही डेरा जमा लिया। इस वक्त रात के करीब 3 बज रहे हैं और मैं और मेरी पूरी टीम यहाँ मंदिर में मौजूद हैं। हमारी कोशिश है कि हम बार बार जाके इस मंदिर में देखते रहें थोड़े थोड़े वक्त के बाद कि क्या शिवलिंग के पास कोई बदलाव आया है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है और अंधेरा भी बहुत ही गहरा है, और ख़ासतौर से जो मंदिर में सीढ़ियाँ उतर रही हैं वहाँ पर बिल्कुल अंधेरे में उतरना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए अब कोशिश है कि इंतज़ार करें जब तक सूरज ना निकले, और जब सूरज निकलेगा तब हम जाकर एक बार फिर मंदिर में देखेंगे कि शिवलिंग पर वो फूल है या नहीं। कुछ ही देर में सुबह होने वाली थी और हमारी बेकरारी बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर के इंतजार के बाद वो वक्त आ गया और हम निकल पड़े उस शिवलिंग की ओर। लेकिन ये क्या, यहां सब कुछ वैसा ही था जैसा हम छोड़कर गए थे। शिवलिंग पर कोई फूल नहीं था, ऐसा कोई निशान नहीं था कि आज की रात यहां कोई आया हो। असीरगढ़ के किले में एक नई सुबह, एक नया सवेरा। सूरज अभी निकला ही है और इस किले में हमारी पूरी रात बीत चुकी है। हम यहां मंदिर के पास ही रहे इस इंतजार में कि सुबह उठकर उस शिव मंदिर पर चढ़े फूल को देखेंगे। हमें शिव मंदिर में वो फूल नहीं मिला, लेकिन उस फूल का मिलना या ना मिलना अश्वत्थामा के होने या ना होने का सबूत कतई नहीं है। जो आदमी 5,000 साल से जिंदा हो, जिसे अजर और अमर रहने का वरदान मिला हो, जाहिर है उसमें बहुत कुछ खास होगा, और जाहिर है हम उस काबिल नहीं हैं कि उस आदमी के निशान को देख सकें।
लोग कहते हैं इस मंदिर में रोज फूल मिलते हैं, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा तो यहां कुछ नहीं था। पूरी तफ्तीश के बाद ऐसा लगा जैसे पुराणों की कहानियां इस इलाके के लोगों पर हावी हो चुकी हैं। अश्वत्थामा का होना सिर्फ लोगों का वहम है।